नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल NIUS दिल्ली अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं जो असम से है। आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये जो रीजनल सेंटर गुवाहाटी से है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रीजनल सेंटर गुवाहाटी, यहाँ से आया है। ये फोर्थ मे का है, तो देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट लास्ट डेट फॉर टू द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर NIUS DLED कोर्स। जो स्टडी सेंटर है, आप सभी स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर है, उन सभी के लिए ये एक मैसेज है कि सब्जेक्ट लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ द असाइनमेंट मार्क्स एंड SBA मार्क्स, उन लोग को 15 मई से पहले असाइनमेंट और SBA के मार्क्स सब अपलोड कर लेना है NIUS के वेबसाइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल दैट द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ द असाइनमेंट TMA मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट कोर्स 501, 502, 503, 504, 505 and school based activities SBA for the subject code 511 on NIUS web portal is 15 May 2018. So all the study center coordinator principal are requested to upload the marks on NIUS web portal before 15 May 2018. देख सकते हैं, thanking you पीयूष प्रसाद, assistant director। देख सकते हैं आप लोग कि ये regional center गुवाहाटी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को 15 मई से पहले, दैट इज़ 15 मई से 3-4 दिन पहले आप लोग को SBA 5045 सब कुछ सबमिट करना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए। और हमारे इस चैनल में सब SBA पूरा फुल सॉल्व इंग्लिश में है, तो आप लोग आपके रीजनल लैंग्वेज यदि ऐसा मिस बेंगोली या फिर और कोई लैंग्वेज है तो आप लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरा एकदम सॉल्व दिया है हम लोगों ने, और आप लोग के स्कूल के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। बट यहाँ से आप लोग आइडिया गेन कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए और देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हम लोग पूरा DLED कोर्स हम लोग पूरा कंटिन्यू आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हम लोग आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए अभी हम दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। NIUS के वेबसाइट, मेन वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट dled.nius.ac.in, उसके तरफ चलते हैं। तो आप लोग को स्टडी सेंटर में जाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे भी सेम चीज़ उन लोगों ने अपलोड किया है, देख सकते हैं आप लोग। ये सिर्फ असम के लिए नहीं कि 15 मई तक सबमिट करना है, ये पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के कोऑर्डिनेटर्स को बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग को, देखिए लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ द असाइनमेंट मार्क्स एंड SBA मार्क्स ऑन पोर्टल इज 15 मई 2018। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ असम गुवाहाटी के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। जिन लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है, उन लोग को सबमिट करना है जल्दी। तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए और सबमिट कर लीजिए बिफोर 15 मई। दैट इज़ आप लोग को 15 मई नहीं, उन लोग को अपलोड करना है 15 मई को, तो आप लोगों को 3-4 दिन पहले सबमिट करना है। तो चलिए अभी दूसरे न्यूज़ की तरफ देखिए। यूनिफॉर्म WBA शेड्यूल स्टेट वाइज, तो हम लोगों ने लास्ट बताया था कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम का बताया था। तो आज हम लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र का भी शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं और देखते हैं उन लोग का वर्कशॉप कब से है। देखिए NIUS DLED वर्कशॉप शेड्यूल फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 512 वर्कशॉप जो है वो 512 कोर्स नंबर 512 है। तो ये फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप है उन लोग का, 5 मई से स्टार्ट है और एंड 16 मई को है। तो आप लोग देख लीजिए, कोई हमारे सब्सक्राइबर अगर महाराष्ट्र से है तो आप लोग देख सकते हैं, उन लोग का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखिए देखिए रिपोर्ट्स ऑन SBA आर टू बी प्रेजेंटेड बाय द टीचर ट्रेनी फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द वर्कशॉप 1 एट द स्टडी सेंटर। तो आप लोग को वर्कशॉप फर्स्ट डे जब होगा तो आप लोग का SBA का रिपोर्ट वहाँ पे प्रेजेंट करना है वेरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद इन ईच पोस्ट लेसन डिस्कशन इज टीचर ट्रेनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑब्जर्वेशन फॉर असेसमेंट बाय RP। तो आप लोग देख सकते हैं कि WBA में आप लोग शेड्यूल देख ले तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या है। एक बार जूम करते तो आप लोग पढ़ ले। I
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और न्यू न्यूज़ न्यू तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।